हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर, आप लोगों के बीच साथियों डिजिटी पीजिटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रश्न आए हैं, जिसमें आप मुगल कालीन चित्रकला से साथी हैं। तो आज आप 54 क्वेश्चन मतलब 50 से प्लस क्वेश्चन आज आप देखने वाले हैं साथियों। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको नेक्स्ट यह अगले दिन कल मिलेगा। तो वीडियो हमारा जो मिलता है साथियों आपको रोजाना सुबह से 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो आप लोगों को जैसा लगे कमेंट आप जरूर करिए, और जो नए चैनल नए व्यूवर्स हैं जनरल चैनल को जरूर से जरूर वो सब्सक्राइब कर लें साथियों। तो चलते हैं, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँची थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, मुगल चित्रकला यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपको लगभग मुगल चित्रकला से ही देखने को मिलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन। तो मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुँची थी, तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसमें, जहांगीर के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय या शाहजहां के समय। तो मुगल चित्रकला पूछ रहा है किस शासक के समय अपनी चरम काष्ठा पर पहुँची थी साथियों, ने तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पहुंच गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 4 ऑप्शन में से आपका जहांगीर के समय में चरम काष्ठा पहुंची थी। अगला है आपका मुगल शैली की नींव किसने रखी थी, मुगल शैली की नींव किसने रखी साथियों। मुगल शैली की नींव रखने की बात कर रहा है, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो मुगल शैली की नींव किसने रखी ना, तो 2 नंबर पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर कौन हो जाएगा साथियों जिसने मुगल शैली की नींव रखी थी। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, अकबर हो जाएगा जिसने मुगल शैली की नींव रखी थी। अगला है आपका मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है। ये जो मुगल चित्रकला साथियों किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ थे, इसका हम लोग वन लाइनर पढ़ चुके थे, सुपर फास्ट रिविजन कर चुके थे साथियों, जिसका बचा था इसका MC क्विज प्रश्नोत्तरी बचा था साथियों, तो वो आज हम लोग देख रहे हैं। मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ होते, तीसरा देखें तो यहाँ पे 3 फारसी और हिंदू, चीनी हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर इसके तीसरे क्वेश्चन देखिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो हिंदू प्लस ईरानी दोनों शैली का मिश्रण था मुगल चित्रकला साथियों, तो हिंदी और ईरानी का मिश्रण था। अगला है आपका साइबेरियन का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है, ये साइबेरिया का जो बिरला सारस है यानी कि सारस का चित्र किसने बनाया, भगवान दास, केशव, मंसूर या मिश्किन। आप लोगों को पता होगा ना कि मुगल काल में जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा पक्षियों का चित्रकार कौन था, जो पक्षियों का चित्रण करने वाला था तो कौन था साथी, तो मंसूर। यहाँ पर राइट आंसर आपका मंसूर हो जाएगा। अगला है आपका शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया, शेख फूल सूफी संत का चित्र साथियों किसने चित्र किया है, मंसूर, अकारिजा, बिशनदार या मनोहर। तो 5 नंबर देखें तो 5 नंबर का प्रश्न बहुत ही बढ़िया साथियों, शेख फूल सूफी संत को किसने चित्र किया। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने आप लोगों के सामने पढ़े, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बिशनदास। अगला है आपका मनोहर किसका पुत्र था, वीडियो आपको रोजाना सुबह से 8 बजे के बीच में साथियों मॉर्निंग में मिलता है, तो इसमें आज हम 50 से प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों मुगल काल का। मनोहर किसका पुत्र था, मंसूर, बसावन, अकारिजा या भगवान दास का। तो मनोहर किसका पुत्र था, तो मनोहर जो था साथियों बसावन का पुत्र था, किसका, बसावन का। अगला है आपका आयनी अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है, आयनी अकबरी कह रहा है कि किसकी प्रसिद्ध कृति है ना, रचना है, अकबर का, बसावन का, अबुल फजल का या दसवंत का। तो 7 नंबर देखें तो 7 नंबर का क्या राइट आंसर होगा साथियों, आयनी अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो किसकी हो जाएगी साथियों, कमेंट करिए आप लोग जरा, तो अबुल फजल की। जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्रों का निर्माण किसने कराया था, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र न सभी चित्र का निर्माण किसने कराया था, बिशनदास, मनोहर, दसवंत या इनमें से कोई नहीं। तो सभी चित्र के लिए कौन ज़्यादा साथियों जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो 8 नंबर देखें तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों यहाँ पे, बिशनदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिशनदास। जहांगीर के भाई शाहब्बास का सभी चित्र किसने बनाया था, तो बिशनदास बनाया था। नूरजहाँ का सभी है किसने चित्रित किया, किसका, नूरजहाँ का, नूरजहाँ का सभी किसने चित्र किया साथियों, अकारिजा, रहीम, मंसूर या बिशनदास।
इसको आप कमेंट करके बताइए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नूर जहाँ का सभी किसने चित्र किया था साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या हो जाएगा, बिशन दास जो था सविचित्र बनाने, पोर्ट्रेट बनाने में बहुत ही अच्छा कुशल था, महारत हासिल था। किसके संरक्षण में हमजा रामा का चित्रण हुआ साथियों? किसके संरक्षण में हमजा रामा का चित्रण हुआ? तो बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में या जहांगीर के समय में? तो हमजा रामा का चित्रण किसके समय में हुआ? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, चारों ऑप्शन में से ग हो जाएगा, अकबर न। तो देखिए हमजा रामा का जो चित्रण हुआ था साथियों किसके समय में हुआ है? अकबर के समय। लेकिन स्टार्ट प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो हुमायूं के समय। तो यहाँ हुआ किसके मतलब पूर्ण हो गया, तो अकबर हो जाएगा। अगला, हमजा रामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? कह रहा है कि हमजा रामा के कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त होते हैं? 4, 5, 6, 1। तो 11 नंबर देखें, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमजा रामा के कितने चित्र भारत से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 चित्र थे जो हमजा रामा के चित्र थे वो भारत से मिले हुए हैं। अगला है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही धर्म तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा साथियों, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। अगला, अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? अकबर जो था किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया? बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात? 13 नंबर पर देखिए साथियों, तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या साथियों, गुजरात विजय के बाद। तो आप एक ऑनलाइन क्लास के साथ बने रहेंगे साथियों, पूरी TGT PGT आर्ट की पूरी तैयारी, जितना सिलेबस है पूरा तैयारी करें, सिर्फ आप धैर्य बनाए रखिए बस साथियों, साथ साथ लगे रहिए। अगला है, अपना लाइक और प्यार और कमेंट देते रहिए, इसी तरीके से पूरा विधिवत सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा साथियों, तैयार कराऊंगा। दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है साथियों किस शासक के बेटे ने बनवाया था? तो अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? तो 14 नंबर देखें, तो 14 नंबर का क्या राइट हो जाएगा आंसर साथियों, यहाँ पे हो जाएगा घ, जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। तो यहाँ किसके बेटे पूछा है, तो जहांगीर हो जाएगा यहाँ पर। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साथियों, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? अब्दुल समद को, दसवंत को, बेजाद या मंसूर को? तो ना, पूर्व का राफेल किसे कहा जाएगा जो ईरान का होगा, इसमें देखिए कौन है ईरान का इसमें साथियों, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाएगा, सबसे पहले का कलाकार है तो ये बेजाद है, बेजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा साथियों कह रहा है कि किसने बनवाया ना, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया साथियों? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो या तो हुमायूं की पत्नी होगा या हुमायूं का लड़का होगा। तो हुमायूं यहाँ पत्नी दिए नहीं, तो हुमायूं का लड़का अकबर था, तो अकबर ने ही हुमायूं नामा और हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ? कह रहा है कि मुगल चित्रकला की बात कर रहा है, ध्यान देना है, स्वर्ण युग किसके समय हुआ? तो अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या औरंगजेब का? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बनाइए इसको साथियों और कमेंट करिए कौन सा होगा इसमें, मुगल चित्रकला का स्वर्ण किसके समय का था? तो जहांगीर के काल के समय को ही चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे तो शाहजहां हो जाएगा, अगर साहित्य का स्थापत्य कला का युग पूछे तो क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। साहित्य के लिए अकबर, स्थापत्य के लिए शाहजहां, न चित्रकला के लिए आपका जहांगीर। अगला है आपका, किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? आप उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर रहे होंगे साथ ही, जो आपको समझ में आ रहे होंगे, जो थोड़ा आपको हार्ड लग रहे होंगे, जो आपको ना समझ में आए, पढ़े नहीं हो, तो जो हार्ड आपको समझ आए कि एग्जाम के दृष्टि मोस्ट है, तो सब जरूर आप नोट डाउन करते रहिए, किस कमेंट भी प्रश्न को हल भी करते रहिए और अपना लिखते भी रहिए। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया है? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो किस कौन सा चित्रकला का शासक था जिसने चित्रकला को क्या किया, प्रोत्साहित किया है? तो 18 नंबर देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा शासक था जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर, अकबर जो शासक था वो चित्रकला को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। मुगल चित्रकला विकसित हुई, कह रहा है कि मुगल चित्रकला जो है कब विकसित हुई, किसके समय विकसित हुई? औरंगजेब समय, हुमायूं के समय, जहांगीर के समय,
या बाबर के समय, तो मुगल कला कब विकसित हुआ, तो विकास इसका पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उन्नत किसके समय में हुई, तो जहांगीर के समय में ही मुगल चित्रकला का क्या हुआ था, उन्नत हुआ था, विकास हुआ था। अगला, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय प्रारंभ हुई, देखिए भारत में मुगल चित्रकला पूछ रहा है किसके समय में प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, न तो बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, हुमायूं के, तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा 20 नंबर पर। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर के साथ में क्या आ जाएगा, न चित्रकला की बात करें तो अकबर के समय इसका प्रारंभ हुआ था। न मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, कौन, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर के। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथ में कमेंट करिए आप जरा, तो मीर सैयद अली किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार होगा, तो अकबर के दरबार का। अगला है आपका, सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला, कार्य जो सभी चित्र है पोर्ट्रेट है साथ ही व्यक्ति चित्र है किसके समय में महत्व मिला था, औरंगजेब के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के। तो 22 का क्या आ जाएगा साथ ही यहाँ पे, किसके समय में महत्व मिला था सभी चित्र को, या जिसे व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट कहा जाता है महत्व मिला, तो किसके समय में, अकबर के समय इसको महत्व, और सर्वश्रेष्ठ जब पूछे तो सर्वश्रेष्ठ आप जहांगीर के समय लगाएंगे। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है, कह रहा है कि अकबर और जहांगीर के समय में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा, पशु पक्षी पर, भवन पर, प्राकृतिक पर या सभी पर। तो 23 नंबर पर देखें तो दोनों के समय किस शैलियों पर ज़्यादा विशेष बल दिया, ध्यान दिया, तो आपका सभी हो जाएगा, सभी क्षेत्रों पर दोनों ने विशेष ध्यान दिया था। सभी किसे कहा जाता है, सभी किसे कहा जाता है, रंगोली, म्यूरल, पोर्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं, तो सभी किसे कहा जाता है साथ में, पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र को ही सभी कहा जाता है। प्राकृत चित्रण किसके समय उच्च स्तर पर हुआ था, प्राकृत चित्रण का है किसके समय उच्च स्तर पर हुआ, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में या अकबर के समय, तो प्राकृत चित्रण की बात करें किसके समय उच्च स्तर पर हुआ साथियों, न उच्च स्तर पर, किसके समय में हो जाएगा आपका ये जहांगीर। 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, जहांगीर के समय में ही प्राकृत चित्रण उच्च स्तर पर पहुंचा था। रूपचित्र का निर्माण किसने शुरू किया, रूपचित्र यानी व्यक्तित्व सभी या पोर्ट्रेट किसने कराया, तो हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या बाबर। तो 26 नंबर का क्या आ जाएगा साथियों, रूपचित्र का निर्माण करने वाला सबसे पहले शासक अकबर था। अगला है, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए, कह रहे कि निम्न में से कौन सा चित्रकार है जो मुगल वंश से उसका संबंध है, ना मुगल चित्रकार को बताना है, जैनुद्दीन, निहाल चंद, मनकूर या मंसूर। तो इसमें से कौन है जो मुगल चित्रकार है साथियों, तो जैनुद्दीन, निहाल चंद, मनकूर ये नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मंसूर जो था जहांगीर के समय का चित्रकार था, तो यहाँ तो राइट आंसर आपका मंसूर हो जाएगा। बिशन दास निपुण था, बिशन दास तो किस लिए निपुण था साथियों, उसे महारत किस में मिला था, छव चित्र में, भू दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में। तो बिशन दास को निपुणता है महारत किस में मिला था, तो कमेंट थोड़ा आप जरा करिए, तो छवि चित्र में, विश्वनाथ छव चित्र में निपुणता। मुगल काल में श्रेष्ठ सभ्या चित्र किसके समय की है, ना मुगल काल में श्रेष्ठ सभ्या चित्र, अभी हमने ऊपर बताया था चर्चा के, थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ सभ्या चित्र किसके समय के, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, किसके समय के थे साथियों, तो जहांगीर के समय की श्रेष्ठ सभ्या चित्रकार थे। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, बिहजात, दौलतराम, निहाल चंद या मंसूर। तो 30 नंबर पर देखिए साथ, 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, मंसूर हो जाएगा। अगला है, जहांगीर के सत्तासीन होने, जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किसने बनाया, मंसूर, बसावन, अबुल हसन या मधुकर। 31 नंबर देंगे तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर जो दरबार दृश्य का जो चित्र बनाया था, कौन बनाया था साथियों, अबुल हसन बनाया था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था मंसूर को, बसावन को, अबुल हसन को या अबुल फजल को। तो जहांगीर ना कौन कह रहा है, जहांगीर, जहांगीर अपने समय सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था,
ने किसे मानता था साथियों? अबुल हसन को। नंबर एक पे किसे मानता था? अबुल हसन को। नंबर दो पे मंसूर को। तो सबसे अच्छा अबुल हसन फर्स्ट श्रेणी। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? जहांगीर का प्रिय चित्रकार का मजा केशव माधव मिस्किन या अबुल हसन। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन हो जाएगा? अबुल हसन, जिसे उच्च कोर्ट के प्रधानता दिया था जहांगीर ने। जहांगीर के सामने मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है मैना, तोता, मुर्गा, बाज। तो जहांगीर के समय के मंसूर का जो प्रसिद्ध चित्र था वो क्या था साथियों? तो था आपका बाज चित्र। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं साथियों, वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न एक से बढ़ के एक मुगल काल के, तो यहीं से लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको मुगल काल से ही पूछा जाएगा साथियों। तो जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? फारूक कुलमाक, मोहम्मद नादिर, अब्दुल समद, मंसूर। रोजाना वीडियो आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में डेली सुबह मिलता है साथियों। फारूक कुलमाक, मोहम्मद नादिर, अब्दुल समद, मंसूर। तो एक ऑनलाइन क्लास पर जरूर वीडियो आप लोग देखिए। तो 35 नंबर पर देखिए टीजीटी पीजीटीआर की पूरी तैयारी साथियों कराया जाएगा। 35 का घर यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंसूर। अगला है आपका जहांगीर काल का चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ था। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ था बाबरनामा का, रामायण का, पशुपक्षी का, अनवर सुहेली का। तो जहांगीर काल की बात कर रहे हैं साथियों, तो सबसे ज़्यादा चित्रण किसका हुआ था? पशुपक्षी का। जहांगीर के समय पशुपक्षी पुष्प। अगला है आपका नाला चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? चित्रकार जो मंसूर था न किसके लिए साथियों प्रसिद्ध था? चित्रकार मंसूर किसके लिए प्रसिद्ध था? पुस्तक चित्रण के लिए, शिकार दृश्य के लिए, दीर्घ दृश्य के लिए या पशु पक्षी चित्र के लिए? तो चित्रकार मंसूर किसके लिए प्रसिद्ध साथियों? किसके लिए जाएगा? पशु पक्षी के लिए। अगला है आपका किस शासक के शासनकाल में काला का पूर्ण रूप से विकास हुआ था? करेक्ट, किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। किसके समय में चित्रकला का पूर्ण रूप से विकास हुआ था साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो पूर्ण शब्द आ गया है, पूर्ण शब्द कला का पूर्ण विकास किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय पूर्ण विकास हुआ था। अगला है आपका किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की आकृतियाँ तैयार कराई? कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने यूरोपीय चित्रों की क्या किया था? आकृतियाँ बनवाया था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे, कौन सा शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की आकृतियाँ तैयार कराया था? तो आपका था जहांगीर। अगला है आपका मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के, औरंगजेब के। तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से साथियों बीच में हम वीडियो आप तक नहीं दे पाए, तो इसलिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। तो मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे साथियों? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो 40 नंबर पर देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर के समय में मुगल सुंदरी के चित्र बने थे। तो जहांगीर हो जाएगा मुगल सुंदरी के चित्र। अगला है आपका किस मुगल सम्राट ने संगीता हरिदास से भेंट की थी? ना कौन सा मुगल सम्राट था जिसने संगीतक हरदास से भेंट की थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर। तो कौन था साथियों जो मुगल सम्राट संगीतक हरदास से भेंट किया था? हरदास कौन थे साथियों? जो तानसेन थे उनके गुरु थे। तो तानसेन के अनुग्रह पर हरदास से भेंट करने कौन गए थे? अकबर गए थे। अगला है आपका जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे मनोहर ने, मंसूर ने, अबुल हसन ने या इनमें से कोई ने? तो किस विषय पर साथियों चित्र बनाए थे? ईसाई विषयों पर। किसने बनाया? 42 नंबर देखिए तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन था। कौन था वो? अबुल हसन था, जिसने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे जहांगीर के समय। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में, भवन भोपाल में, भारत भवन वाराणसी में या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो कहाँ है साथियों? 45 नंबर देखें तो यहाँ पे तिरालीस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत कला भवन में। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो यौन सुंदरी था और ये भारतीय सुंदरी, इस चीज़ को ध्यान देंगे ना, तो भारत कला भवन वाराणसी में है। अगला है
किस मिनिचर पेंटिंग बेलबूटेदार हाशिए का बॉर्डर का प्रयोग किया गया था? यह ना किस मिनिचर पेंटिंग में बेलबूटे हाशिएदार का बॉर्डर का प्रयोग किया गया था? मिनिएचर पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग, उसमें बेलबूटेदार हाशियों का बॉर्डर के रूप में प्रयोग किया, पहाड़ी में, राजस्थानी में, गढ़वाली में या मुगल में? तो किस में प्रयोग किया गया था बेलबूटे हाशिए? साथ ही मुगल शैली में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है आपका, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? ना लाल पुष्प कैसा पुष्प, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया था? गोवर्धन, बिशन दास, अबुल हसन, मंसूर। तो लाल पुष्प का चित्रण किसने किया था साथियों? यहाँ लाल पुष्प का जो चित्रण है वो कौन था? जहांगीर के समय का मंसूर था पुष्प, अच्छे पुष्प का चित्रण। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी, अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी, हिंदू चित्रकार, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करिए आप लोग साथियों एक बार, तो किसके समय में सबसे अधिक चित्रकार थे अकबर के समय, कैसे चित्रकार थे सबसे ज़्यादा? तो हिंदू चित्रकार थे। अगला, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है, नायक नायिका चित्र, पशु पक्षी के चित्र, दरबार चित्र या प्राकृतिक चित्र? 47 नंबर भी देखा, तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरबार संबंधित चित्र बने थे अकबर के समय। अगला है, निम्न में से मुगल चित्रकार हैं, रवि वर्मा, हलधर, नंदलाल बसु या केशव? तो कौन सा जो मुगल काल का समय का चित्रकार है, मुगलों के समय का चित्रकार है? 43 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मुगल चित्रकार को ढूंढना है तो केशव है, कौन है? केशव। बसावन की प्रसिद्ध कृति है भीष्म, मजनू की आकृति, चारागाह, इनमें से कोई नहीं? तो 49 नंबर पर देखिए साथियों, तो 49 नंबर का राइट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे मजनू की आकृति हो जाएगी, बसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन जो था किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? कुमाऊं का, अकबर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? तो 50 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों, तो 50 देखिए इससे 50 प्लस क्वेश्चन है, तो कुछ और क्वेश्चन भी बचे हैं साथियों, जो 54 लगभग होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? खा हो जाएगा, अकबर। बसावन जो था अकबर के समय का क्या था चित्रकार था बसावन। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभारत, पंचम या इनमें से कोई नहीं? तो रामायण जो है किसका, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। अगला है, रजनामा का चित्रण किसके समय में हुआ था? ये जो रजनामा ग्रंथ है साथियों, इसका चित्रण किसके समय में पूछा हुआ? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या औरंगजेब के? ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रचनामा जो है अकबर के समय में इसका चित्रण हुआ था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है पूछ रहा है, अमीर हमजा, चंगेजनामा, आयरदानिस, नलियदमयंती? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या हो जाएगा साथियों? तो एक बार कमेंट आप करिए फटाफट, तो सेकंड लास्ट के साथ क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो को आप जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, आपकी जो प्रतिक्रिया राय जरूर व्यक्त करें। आयर दानिश, अब पूरा टीजीटी पूरा क्लास हम आपको पूरा विधिवत तैयारी कराएंगे साथियों। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो अफगानिस्तान, काबुल, ईरान, भारत का? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ना आपने सुना था हुमायूं दो चित्रकारों को लेकर आया ना, तो कहाँ से लेकर आया था साथियों? सुपरफास्ट रिविजन हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जो भाई बहन ना देखें वहाँ पर प्ले स्टोर से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो वहाँ पर है साथियों टीजीटी आर्ट की तैयारी के लिए। तो हुमायूं जो था दरबारी चित्रकार कहाँ से लाया था? ईरान से लाया था, जिसमें आप सुने थे अब्दुल समद सिराज जी, और किसको लाया था? मीर सैयद अली को, तो ईरान से। 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा कल साथियों। तो वीडियो जैसा हो आप लोग कमेंट करिए, जब तब तक दीजिए इजाज़त, जब तक अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आऊँगा साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।